Welcome to ABPD guys. Myself Dr. Dharmender and today I am going to start another important part of important MCQs for UPSC prelim 2020. So first, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सोशियो रिलीजियस एंड सोशियो कल्चर मूवमेंट्स जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ी होंगी. सो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन. आपने क्वेश्चन आ गया है, वीडियो को स्टॉप करना है, आंसर निकालो, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड संबर्ड कॉमेडी द बंगाली वीकली न्यूज़पेपर विच रेगुलरली डिनाउंस्ड सती. ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर अब ट्रेंड बन गया कि एक स्टेटमेंट थोड़ा सा बताते हैं उस चीज के बारे में, पूछते हैं कौन सा पर्सन उसके साथ रिलेटेड था. फर्स्ट ऑप्शन इज देवेंद्रनाथ टैगोर, सेकंड इज राजा राम मोहन राय, थर्ड इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फोर्थ इज ज्योतिराव फुले. तो इसका आंसर सिंपल है, क्या आएगा? राजा राम मोहन राय. ठीक है, आप पढ़ोगे ब्रह्मो समाज के अंदर जब पढ़ोगे वहां पे न्यूज़पेपर मेंशनड है, आपकी बुक्स के अंदर भी है. आई होप कि आपके बेसिक जो अपने नोट्स होंगे उसके अंदर भी होगा. सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू ज्योतिबा फूले. ज्योतिबा फूले के बारे में स्टेटमेंट है, फर्स्ट इज ही फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज, सेकंड स्टेटमेंट इज ही कंपाइल्ड भवन काशी सबोध रत्नाकर, थर्ड वन इज ही एम्ड एट कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ द कास्ट सिस्टम. ऑप्शन इज वन एंड टू ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज टू एंड थ्री ओनली, थर्ड वन इज वन एंड थ्री ओनली, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव. सो लेट अस सी कि क्या इसका आंसर है. फर्स्ट इज ही फॉर्म द सत्यशोधक समाज इज करेक्ट. सेकंड इज ही कंपाइल भवन काशी सबोध रत्नाकर, नहीं, ये सावित्रीबाई फुले ने कंपाइल किया था, सो दिस वन इज रॉन्ग. थर्ड इज ही एम्ड एट कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम, ये ठीक है, सो आंसर विल बी वन एंड थ्री ओनली. थर्ड क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू ब्रह्मो समाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड वेदास एंड उपनिषद. सेकंड इज इट वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय एज ए न्यू रिलीजन. थर्ड स्टेटमेंट इज द लॉन्ग टर्म एजेंडा वॉज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म. ऑप्शन फर्स्ट इज वन एंड टू ओनली, सेकंड इज टू एंड थ्री ओनली, थर्ड वन इज थ्री ओनली एंड फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव. तो डिस्कस करते हैं. देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज वेदा एंड उपनिषद, नहीं, वेदास एंड उपनिषद वर टू पिलर्स ऑफ ब्रह्मो समाज, सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी आएगी रॉन्ग. सेकंड इज इट वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय, करेक्ट स्टेटमेंट, बट एज ए न्यू रिलीजन, नो दिस वन इज रॉन्ग, नया कोई रिलीजन नहीं था, सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. थर्ड स्टेटमेंट इज द लॉन्ग टर्म एजेंडा वॉज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, नो दिस वन इज करेक्ट, सो आंसर विल बी थ्री ओनली. Move to fourth question, with the reference to the Servant of India Society, consider the following statements. Batao ji. First statement is, it was founded by Bal Gangadhar Tilak. Second statement is, it was founded under the guidance of INC, Indian National Congress. Third statement is, the aim was to train the national missionaries for the service of India. Option is, 1 and 2 only, 2 and 3 only. थ्री ओनली ऑल ऑफ दी अबव. सो डिस्कस करते हैं इसको. इट वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक, नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, सो आंसर विल बी फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकेंड इज इट वॉज फाउंडेड अंडर द गाइडेंस ऑफ INC. देखो जब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म हुई थी तो उन्होंने एक एम किया कि इसको पोलिटिकल एक्टिविटी से बिल्कुल हमने अलग रखना है. सो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस पोलिटिकल एक्टिविटी थी तो उससे अलग थी, सो उसकी गाइडेंस के अंदर नहीं फॉर्म हुई, सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. थर्ड इज द एम वाज टू ट्रेन नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, नो दिस वन इज करेक्ट. जनरली जो एम के ऊपर होते हैं क्वेश्चन वो सही होते हैं अगर उसके अंदर कुछ एक्सट्रीम नहीं ऐड किया हुआ. मोस्टली जो क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं जिसके अंदर पर्सन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, या कुछ एक्सट्रीम एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के वेस्टर्न के अंदर ही था, यहाँ यहाँ पे था, ऐसी स्टेटमेंट रॉन्ग होती हैं, तो उनके ऊपर आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. ऐसा नहीं कि वो सही नहीं होंगी, ठीक है, सही भी हो सकती हैं गलत भी, लेकिन ज़्यादा चांसेस है. सो थ्री ओनली. फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ आर्य समाज. इट इज अगेंस्ट वेदास एंड प्रीस्टहुड. सेकेंड इज इट फेवर्ड द स्टडी ऑफ वैदिक एजुकेशन ओनली. थर्ड वन इज इट कंडेम्ड द सिस्टम ऑफ आइडोलेट्री एंड रिचुअल्स लाइक एनिमल सैक्रिफाइस. ऑप्शन इज वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली,
देन थ्री ओनली देन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट अगेंस्ट वेदास, वेदास के अगेंस्ट नहीं थी, उसका जो एम ही था क्या, बैक टू वेदास, तो बैक टू वेदास, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। सेकंड इज इट फेवर्ड द स्टडी ऑफ वैदिक एजुकेशन ओनली, नहीं मॉडर्न एजुकेशन और भी बहुत सारी ओनली वर्ड है, सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड इज इट कंडेम्ड द सिस्टम ऑफ आइडोलेट्री एंड रिचुअल एनिमल सैक्रिफाइसेस, ये सही है, सो आंसर विल बी थ्री ओनली। सिक्स्थ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू वहाबी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट फाउंडेड इन इंडिया बाय सर सैयद अहमद खान। सेकेंड इज इन द वेक ऑफ 1857 रिवॉल्ट इट टर्न्ड इनटू आर्म्ड रेजिस्टेंस, सो ऑप्शन इज वन ओनली, देन टू ओनली, देन बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अबव। सो लेट अस डिस्कस, इट वॉज इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट फाउंडेड इन इंडिया बाय सर सैयद, सर ये राय बरेली ने, सैयद राय बरेली ने फॉर्म की थी, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन सेकेंड इन द वेक ऑफ नो द वहाबी मूवमेंट वॉज वेरी मच पार्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड एट दैट टाइम इट टर्न्ड इनटू वी कैन से आर्म्ड रेजिस्टेंस, सो दैट विल बी करेक्ट, सो आंसर इज टू ओनली। मूव टू सेवंथ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट वॉज स्टार्टेड बाई ई वी रामास्वामी इन तमिलनाडु, इट वॉज फेवर्ड, इट वॉज इन फेवर ऑफ तमिल लैंग्वेज एंड कल्चरल इंस्टेड ऑफ संस्कृत, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंट्रीज लाइक मलेशिया। ऑप्शन है वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो इट वॉज स्टार्टेड बाई ई वी रामास्वामी इन तमिलनाडु इज करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड इज इट वॉज फेवर, देखो तमिल लैंग्वेज सोशल ऑर्डर के लिए, बेसिकली हिंदू जो उसको फाइट करने के लिए थी, वो वहाँ पे संस्कृत यूज करते थे तो लोकल लैंग्वेज तमिल को इन्होंने प्रमोट किया। अब देखो बहुत सारे तमिल मलेशिया सिंगापुर के अंदर भी रहते थे, तो उसी लैंग्वेज के अंदर एंड वहाँ पे लोग रहते थे, ये इसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे भी गया। ये आपको स्टेटमेंट नोट करनी है फॉर प्रीलिम, इट वॉज इन फेवर ऑफ तमिल लैंग्वेज, सही है। थर्ड इज इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंट्रीज लाइक मलेशिया, सो आंसर विल बी डी। एट्थ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू प्रार्थना समाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज इट वॉज फाउंडेड बाई आत्माराम पांडुरंग अलॉन्ग केशव चंद्रसेन, सेकेंड इज द परमहंसा सभा वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ इट, थर्ड वॉज इज इट वॉज नॉट एबल टू गेन ऑल इंडिया करेक्टर। ऑप्शन इज वन एंड टू, टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड ऑल ऑफ द अबव। डिस्कस करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट से ये नाम ही है, ये तो आपने याद करना ही वैसे। देन परमहंसा सभा इसका प्रकर्सर थी, नो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अगेन फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इट वॉज नॉट गेन ऑल इंडिया, नहीं इसने ऑल इंडिया करेक्टर गेन कर लिया था, ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, सो द आंसर विल बी वन एंड टू ओनली। देन नाइन्थ क्वेश्चन, विद द रेफरेंस टू रहनुमाई मजद्यासनम सभा जो पारसी मूवमेंट थी, है ना, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट इज देयर अटेंशन वॉज फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ पारसी वुमेन इन सोसाइटी, सेकेंड इज दादाभाई नौरोजी सपोर्टेड दिस मूवमेंट, थर्ड स्टेटमेंट इज रस्ट गुफ्तार स्प्रेड द मैसेज ऑफ दिस मूवमेंट। तो देखते हैं इसका आंसर, ऑप्शन क्या है, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, ऑल ऑफ द अबव। सो फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट, देयर अटेंशन वॉज टू फोकस ऑन पारसी वुमेन स्टेटस एंड पारसी को इम्प्रूव करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड इज दादाभाई नौरोजी सपोर्टेड दिस, दादाभाई नौरोजी वाज वन ऑफ द लीडर, तो बहुत सारे लीडर थे इसके, तो उसमें दादाभाई नौरोजी भी थे, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड इज रस्ट गुफ्तार, नो रस्ट गुफ्तार वॉज न्यूज पेपर जो इसके मैसेज को स्प्रेड करता, आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोई ना कोई न्यूज पेपर अटैच्ड है जो उसको प्रमोट करता था, कम्युनिकेट लोगों के बीच के अंदर पहुंचाता था, सो रस्ट गुफ्तार यहाँ पे था, सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ओके लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड देव समाज, तो देव समाज को किसने फॉर्म किया, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल गणेश अग्रवाल, सो आंसर इज शिव नारायण अग्निहोत्री। तो यहाँ पे सिंपल था इनका क्या था, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, गुरु की सुप्रीमेसी के लिए स्टार्ट हुआ,
सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप कि आपको कुछ नई स्टेटमेंट्स मिली होंगी. तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.